यार दिखे मन पुराने को रोक भाई रोक 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 दे भाई रोक यू यू आया ये पुरानी आ गई भाई ला साइड में ला साइड में लगा कागज देख ले इसके कागज चेक करो इसके साइड में लगा भाई लगा साइड में पार्टी का पैसा तो आप ला रहे हैं कुमारी गवर्नमेंट है गला घोट दे भाई जनता का जो सही है 2000 का बादल जो काटी आई उनने किसी का बाप भी बंद कौन कर सकता यू मैं खुलासा करने लग रहा हूँ जो ऑर्डर है वो लठोर्डर है मतलब नोटिस जब गए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली को ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिल्ली को और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भारत सरकार को तो फिर मुख्यमंत्री जी बयान देवे हैं बोला ना आम तो तेथन बंद करा सर्विस टैक्स इनकम टैक्स गाड़ी पे टैक्स पेट्रोल पे टैक्स डीजल पे टैक्स फिर गुंडा टैक्स टोल टैक्स वाला और फिर तो थोड़े बहुत पीछे गोद में बच्चे किसे का फिर मार्की वाले आ जाए वो झाड़ा ले लें बोले दया कि बच रहे तो हम लोग अभी इसकी आर सी रिन्यू नहीं हुई नी तो फिर मुख्यमंत्री जी तो आप पुकारे उसे अधिकारी पुकारे आप जैसे भाई जगह जैसे सहयोग रहे हैं ना जनता की जीत होगी भाई अंधेर नगरी अंधेर राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा सारे भाइयों ने राम राम मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमूर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक फिलहाल कैथर तो मैं लाइव जुड़ गया हूं राजपत्र मेरा हाथ में भारत का राजपत्र हमने कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी तक खुलासा करांगे और भाई जो आरटीए की टीम गाड़ियां रोक के कबाड़ में तब्दील करने का षड्यंत्र चल रहा है उसका मास्टरमाइंड कौन है उसका भी आप खुलासा करेंगे लेकिन फिलहाल मैं नजर करूंगा भाई कोई 15 साल पुरानी गाड़ी मैंने मिल जाए और उसने मैं रुकवाऊंगा तो उसके बारे में आप पूछांगे भाई जो गाड़ी चल रही है और उसके बारे में खुल के बताऊंगा भाई षड्यंत्रकारी कौन अधिकारी षड्यंत्रकारी या फिर सरकार के नेता जो आजकल लेता हो रहे हैं यानी कि आपकी गाड़ी ने कबाड़ में तब्दील कर सके भारत का राजपत्र मेरा हाथ में है मैं खुलासा करूंगा गले गले शेयर करते रहियो और जो मैंने बताया था शुरू में अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वो एक काम हो रहा है भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है तो पुरानी गाड़ी आप जरूर देखेंगे और सुन मैं तो गुप्त सूत्र कालन कई साइकिलों ने पकड़ सके तो ऐसा भी काम हो सका है तो फिलहाल आप नजर दौड़ावा को पुरानी गाड़ी या क्या मॉडल है भाई क्या मॉडल गाड़ी है 1993 मॉडल यार पुरानी है 15 साल पुरानी गाड़ी बिल्कुल है तो इसको भी इम्पाउंड कर सके चलो नजर आप बनाए रहेंगे और देखेंगे गाड़ी दूर नजर ही रहे तो को पुरानी गाड़ी रुकवाने की तारीख बाकी यू मॉडल इसने देखो ये फिलहाल तो चल लेकिन बैन कदे भी उसके यू भी मेरे पास 2002 मॉडल है जी अच्छा अच्छा ना 13 मॉडल कितना है 93 मॉडल है 93 मॉडल यानी कि 7 और 2229 साल पुराना चल हैं ये लेटेस्ट मॉडल है चलो या मारुति 800 ये फॉर्च्यूनर है चलो कोई पुरानी गाड़ी का नहीं मेरी नजर पड़ गई तो मैं रुकवाऊंगा और उस गाड़ी ने इम्पाउंड करांगे पकड़ांगे उन्हें भाई वही पुरानी गाड़ी चलाने की लेकिन जो अपनी एनजीटी का हवाला देके जो बात बनाई गई थी और जो मुख्यमंत्री के जो ताजे बयान आए थे उनके ऊपर मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले करनाल में बयान दिया और कहा भाई हम तो ऑटो 3-व्हीलर बैन करा ना कि गाड़ी लेकिन फिर ये इम्पाउंड करने वाला खेल और जो आरसी का रिन्यू करने का काम है वो क्यों नहीं हो रहा है वो हमारा बड़ा सवाल है को गाड़ी दिख जाएगी तो पुरानी उन्हें रुकवाऊं को पुरानी गाड़ी है किसी का काफी खड़ी है खड़ा है इस तक ले ग्राउंड में अच्छा देखो ए, 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 या 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 दिखे मैंने पुरानी बस रोक भाई रोक 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 दे भाई रोक दे यू यू आया या दिखे या पुरानी आएगी भाई ला साइड में ला साइड में लगा कागज देख ले इसके कागज चेक करो इसके साइड में लगा भाई लगा साइड में लगा यू भाई डेट ले जा ले अच्छा अरे बोले रे तेरी बम 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 बोले ये तो बंटी मिले गया बंटी भाई होंगे बोला बन जाता कल महाशिवरात्रि में और बढ़िया भाई और ठीक राम 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 करते मारते राम राम भाई पैर में दिल में जगह अपना दिल गले में ओ तक 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 हो रही है तक तक हो रही है मेरे के यहां पता पड़ी भाई क्या मॉडल है भैया ये तो भाई 2003 मॉडल है 2003 भाई बोला कक 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 रोला है बोला यू 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 रोला है यू आ गया 2003 मॉडल भाई
2003 यानी कि गाड़ी कितने साल पुरानी होगी भैया? होगी जी 12 साल। 19 होगी भाई, तेरा भी मैथ कमजोर है। 19 साल पुरानी 2003 है, 2003 के हाँ, तेरे भी लघुत्तम ब्रैकेट वर्क घर तक खराब चल रहे करते। चलो भाई दिखा भाई कागज दिखा भाई, गाड़ी इंपाउंड कराएंगे इसके, क्योंकि सरकार को है, सरकार को अभी मार्फ ऑर्डर है, जबकि कोई ऑर्डर नहीं, वो लठ ऑर्डर है। हम इसकी गाड़ी ने जब्त करने की कोशिश करेंगे, या पकड़ लिया हमने गाड़ी, या 19 साल पुरानी गाड़ी है, पेट्रोल की डीजल की उकड़ू फूक वाली पेट्रोल की है भाई, पेट्रोल की है। हुकुम का इक्का बलायू बलायू हरियाणा प्रधान भाई, मोबाइल लाइट ऑन कर लियो कदा आरसी मिल गई है आपको, मैं बता दूं ये आरसी मिल गई है, मॉडल है भाई, ये आरसी है भाई की इसकी, ये आप देखो 2003 मॉडल बताई नहीं, हाँ ये 2003 मॉडल है भाई, मारुति 800। देखो जो मारुति 800 का टाइम था, उस टाइम लोग ईमानदार थे, और जब तक फॉर्चूनर आई नहीं, देश में फॉर्चूनर चल रही है आजकल। चलो ये देख ले भाई, देख लो करेटा चल रही है, करेटा भी चल रही है, सही कहा है, करेटा चल रही, लेकिन 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 जो टाइम था नहीं, जिम मारते 800 जिम लोग ईमानदार भी थे, और भाई देखो यू मानस जय इसमें चल रहे नहीं, मैं इसको नू इतना तो जरूर कहूंगा, यू मानस ईमानदारी तो कमा रहा है, जय तो मारते 800 में। दूसरी बात सुनो भाई, लाइट देखो, ओके लाइट ठीक है नहीं, ये मैं करूंगा रजाई का उछाड़ तारूंगा, खुलासा करूंगा, एडवोकेट मुकेश कुलथिया जो चिल्ला चिल्ला के कान लग रहे हैं भाई, भारत का राजपत्र मेरे पास है, यार मारो भाई तुम, या गाड़ी तारी जब्त को नहीं हो सकती कानून के हिसाब से, मैं बताना बता दूं, आप थोड़े अपने करो, अब हम जस्टिफाई करांगे इस चीज में, हम जस्टिफाई करांगे इस चीज, देखो लठोटर में तो कुछ भी कर लो, लेकिन कानूनी रूप से आपने, मैं बता दूं खट्टर साहब ने जो बयान दिया था, ऑटो बैन होंगे तो हमने को, हाँ इस गाड़ी का 2003 मॉडल है, आपने बता दूं जो घरेलू गाड़ी है, जो कि घरेलू गाड़ी है और कमर्शियल गाड़ी उन मंत्र के है, या गाड़ी 5-5 साल रिन्यू करवा इसका, आप इसने है नी, इसने 5 साल तक रिन्यू करवा इसको कानून के हिसाब से, ये कानून को आपने भारतीय सब भारतीय राजपत्र में दिखाने लग रहा है, ना नहीं होंगे नी, तो फिर खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी सुनो 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 सुन लो नेतागण, सुन लो अधिकारीगण, जय आप कल नू कह के गए हो भाई आम कोई बैन नहीं कर रहे हैं, एनसीआर में भी सिर्फ गुड़गांव में बैन कर रहे हैं, तो बैन कह दिया था भाई मुख्यमंत्री ने, नू कह है भाई आम सिर्फ ऑटो थ्री व्हीलर बंद करांगे, तो फिर ये देखो एनजीटी के कह रही है, एनजीटी कह रही है 1999 जो दो बताऊ 2014 में जो गाड़ी 15 साल की उम्र खाएगी उन गाड़ियों को बैन कराया जाओगा, वैसे 2014 में जो 15 साल की होगी ठीक है जी, यानी कि 1999 तक शुरू हुई जो 2000 और 2000 के बाद वाली जो गाड़ी आई उन किसी का बाप भी बंद कौन कर सकता, यू मैं खुलासा करने लग रहा हूँ, ये एनजीटी का हवाला दे, एनजीटी कह रही है, देखो कहने लग रही है एनजीटी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, एनजीटी कहने लग रही है भाई जिसके 2014 में 15 साल हो गए, अरे बड़ी बड़ी चल रही गाड़ी, 2014 में जिसके 15 साल हो गए वह बंद होगी, और सुनो ये भाई सुनो, षड्यंत्र किसका आयु, षड्यंत्र आयु कारपोरेट घराने का, वह कैसा वह है, जितने भी ये राजनीति वाले लक्कड़ पग्गे पागड़ बिले कुकर मुत्ते दौड़ कपाड़िए हैं, इनका एक मकसद है, अब भाई यूरो 6 के नाम पर यूरो पर देखो जब 1999 का टाइम था यूरो का कोई चक्कर नहीं था, फिर ये बटवाए गा गेगी अड़े के तड़े शुरू करे और गाड़ी का काटड़ा बांधने का काम शुरू करा, फिर ये यूरो 1 2 3 4 5 6 ले आए, और नू कहे भाई यूरो 6 आएगी तो ये नू कहे भाई पुरानी गाड़ी आपकी बैन हो जाएगी, कबाड़ में तब्दील हो जाएगी, जबकि नू कहे भले ये कोई कानून आया, कानून को नहीं भाई सुन लो, ये रूल में अमेंड जो संशोधन हुआ था कानून में वो या था, पहली बात तो एक्ट में संशोधन को नहीं हुआ था, जो एक्ट 1988 था वो नू कानून था, उस पर नू की नू मोर ला दी थी 2019 में, और जो बने था उस जो संशोधन आया था वो आया था रूल में, रूल के था ये देखो आजा भाई रंधिका, आपकी गाड़ी की जो आरसी का नई आरसी बनेगी उसका रिन्यू होगा
उसके चार्ज बढ़ाए गए थे, या थी वह सच्चाई जो मैं खुला सक रहा हूँ। और मतलब कोई अमेंडमेंट उसमें कौन हुई थी, आपका कानून में कोई सुधार नहीं, सिर्फ कानून वही था, कानून 1988 वाला, और जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था आपका रूल में, आपकी जो फीस थी रिन्यू करने की, और जो आपका आपके जो नई आरसी बनाने की उसके फीस के चार्ज बढ़ाए थे। और हम कमा उन नेतागणों से, उन अधिकारी गण है जो भ्रष्ट हो लिए, जो मिलकर लूटने की नीति बना रहे हैं, जो आपकी गाड़ी ने कबाड़ में तब्दील करना चाहे है, हम उन तक खुल कर पूछा। हरियाणा की वेबसाइट पे आज भी ये रिन्यू के रेट खुल के लिख रखे, भाई रिन्यू इतना में कर लियो, इतना में कर लियो, तो फिर क्यों बुकाया जा रहे हैं? ये धक्का सा ही बोला चाल से तीर नहीं तुक्का धूड़ मलट मारो बोला जड़ में कौन पूछा पटवारी ने। सही बात है, मुंह देख मटिक्का कर रहे हैं, इसमें गाटी गाटी है कि मोटरसाइकिल भी हो। अरे ये साइकिल ने भी लेने दो, तू मोटरसाइकिल के साइकिल भी आऊंगा, पैदल आने पे भी हेलमेट चेक होंगी। चलो चलो मैं बता दूं कुछ भी हो उसका भाई है? भाई तो नहीं ना ना मैं तो आपकी आपके सेफ्टी के डॉक्यूमेंट दिखाने लग रहा हूँ। ये भारत का राजपत्र है भाई, ये मेरी अपनी बातें नहीं है। अरनुकार लिखतम साची बक्तम झूठी, हम लिखतम ले रहे हैं। और सुनो बड़ा खुलासा एक और करूंगा, के षड्यंत्र यूं, ये जो बड़े बड़े जो बिजनेस मैन है ये सोचते भी पुरानी गाड़ी है तो चला रहे हैं लोग, यू देख ले 2003 की कटाका चला रहे यूं चलन लग रही। ठीक भाई दिक्कत तो नहीं भाई? अरे भाई टायर तो मांग मैं तो नुकू बिना सुनो थोड़ी हट पहले तमने एक जादू कौन देखा बिना स्टार्ट करे भी चल रही थी इसकी तो रिश्ते कौन नहीं है तो देसी की है। और सुनो दूसरी बात, जो अपने मैकेनिक भाई है उनके काम धंधे चौपट करने की तैयारी है, जब यूरो 6 आओगी तो वो एजेंसी में ठीक होगी, एजेंसी में इन वर्ग कंज्यूमर भाई का ऊपर मुंह मतलब मुंह देख के थप्पड़ मारेंगे, यानी कि मन माने दाम भाई जो उन्हें कह दिया गैरेज एजेंसी वाले ने वो ही देना पड़ेगा। और जो काम एजेंसी में 10,000 का हुआ है वो काम 12,500 में करते मैकेनिक करते नहीं भाई करते नहीं, तो असली षड्यंत्र के हैं जो अपने मैकेनिक भाई हैं जो गैरेज खोल रहे हैं उनकी गैरेज खत्म करनी है। दूसरी बात, जो बड़े बड़े कारपोरेट कराने हैं जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके अपने लोग हैं तो उनके लोगों की नई मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब फैक्ट्री में इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो नई गाड़ी यूरो 6 का नाम पे बेची जाऊंगी, एक ये भी बात है। ये मुख्यमंत्री जी का बयान पर दोबारा आऊंगा, मुख्यमंत्री जी चाहे तो अपना बयान बदलो, चाहे मुख्यमंत्री जी कह दो अभी मेरी जुबान टूट गई थी, मेरे पर गलती से मिस्टेक हो गई थी, जब उन ऑटो बंद करने की बात कही है तो कल ने जब इसकी आरसी रिन्यू नहीं करी तो मुख्यमंत्री जी तो हमारा सवाल है यू 2003 मॉडल आपने कहा है भाई ऑटो बंद कराम, तो इनकी जो एसडीएम ऑफिस आरटीओ ऑफिस है उड़े इसकी आरसी रिन्यू होनी चाहिए भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं बोले हम को नहीं बंद करते। अरे भाई जीव दिल्ली का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास सेक्रेटरी के पास और अपनी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है जीव उस पर कोर्ट का नोटिस गया, उसके बाद इन्हें एहसास होया ये रुक के मान लाग गया सड़क पे तो हमने बेखौफ रुक के भी मारे हैं। हालांकि छिक्का तो आजादी मिल गई है, डायलॉग बोलो भाई एक छिक्का जो मूछों का आकार बदल दी, जो मूछों का आकार बदल इन छिक्के ने मूछों का आकार बदल दिए थे इन लोग आगे मास्क ने तुम्हें तो हट लिए इब आमनु को। हाँ भाई जो भाई किस्त नहीं पाट पा रहे अपने जिसकी अपनी गाड़ी की इब लगो सर्विस टैक्स इनकम टैक्स गाड़ी पे टैक्स पेट्रोल पे टैक्स डीजल पे टैक्स और टोल टैक्स वाला गुंडा टैक्स वो देने लग रहा उसने क्यों मारो है आपा नून मिर्च छिड़कने वाला काम है के तो ये जो गाड़ी बैन का जो ये देखो पहले आई थी नसबंदी हुई थी एक बार कदे वही थी नहीं, फिर उसके बाद आई थी नोटबंदी फिर उसके बाद आई सांसबंदी फिर उसके बाद आई किसान बंदी फिर उसके बाद आई कार बंदी तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आम नु कहा देखो कोई बात नहीं ईब तक तो भाई ईब के तारीख भाई आज आज 2 मार्च 2022 और 8:40 तक भाई कोई कानून नहीं है गाड़ी पकड़ने का, कल न कि मैं आवा तो माम कुछ कहने नहीं, लेकिन फिलहाल जो गाड़ी पकड़ने लग रहे हैं जो लाठा दे रखा है जो प्रेशर बना रखा है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। ये जो 2019 में जो संशोधन हुआ था एक्ट 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें कोई
परिवर्तन नहीं हुआ था। कानून कौन बनाया? कानून हुआ था, सिर्फ रूल में परिवर्तन हुआ था। रूल में परिवर्तन क्या था भाई? आरसी की रिन्यू की फीस बढ़ गई, और आपकी जो घरेलू गाड़ी है, जो निजी गाड़ी है, उन्हें 5-5 साल तक रिन्यू करवा के 50 साल तक चला इसको, ये रूल है। और फिर आपकी जो जो कमर्शियल गाड़ी है, जो कमर्शियल गाड़ी है, उसने आप 6-6 महीने का रिन्यू करवाया इसको, जो 8 से 10 साल पुरानी गाड़ी है। ना ना, यू तो निकर चीज है, पत्रे तो ये तो फिर भी निकर है। और जो भाई कमर्शियल गाड़ी है, सुन लो, उस पर भी 8 साल पुरानी गाड़ी पर 2-2 साल का रिन्यू है, और 8 साल तक पुरानी हो जाए तो 6-6 महीने का रिन्यू है, और इन पर 5-5 साल का कमर्शियल पे। तो भाई हाँ, और मैं कहूंगा यह बात सुनो, दाप बिना गंडा रस कौन देना? कड़ा हुआ गन्ना का रस वाला है कोई ना तो जाली, उन्हें चला के दिखाया दाप बिना गंडा रस नहीं तैयार था। तो फिलहाल ये राजपत्र है, भारत सरकार का भी है, ये हरियाणा सरकार का भी है। और भाई वो थरी लड़ाले भी क्यों बंद करो? उनको ऑटो बंद कराएंगे? ऑटो वाले पे पूछा है, ऑटो वाले पे भी पूछ खोल क्या बनू है भला? यू लठोडर एक ऑर्डर एक लठोडर। तो ये चीज इसलिए हम खुल कर बोल रहे हैं भाई, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, और नहीं तो मार पाछा पुकार को नहीं भाई। ये हमने डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, एनजीटी ने भी कितने लिखे। और सुनो, जो एनजीटी का हवाला दे रहे, एक नोटिस आया है, नोटिस चल रहा है दिल्ली सरकार का, हरियाणा सरकार का, भाई आपकी गाड़ी एनसीआर में दिखी पुरानी तो हम इम्पाउंड कर लेंगे। किसका अधिकार है? आपकी बपोती है, क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि रूल नहीं है आपके पास, वो अधिकार नहीं है। जो ऑर्डर है वो लठोर्डर है, आप इलीगल ऑर्डर ले रहे हो। ऑर्डर भी लीगल और इलीगल दो हैं, तो इलीगल लठोर्डर है, लटका ऑर्डर है। हाँ, लटका ऑर्डर है। हाँ, पर भाई बात होगी किराए पे। हाँ, किस्त किस्त पट्टे लगते हो? इधर आ जाओ, ये देखो भाई, एक चीज सुनो, ये देखो आप ले रहे उड़ान लिया मोहित, उड़ान लिया मोहित, देखो ये रूल, ये देखो भाई, जब 15 साल पुराने आपके कोई व्हीकल हो जाएंगे आपके, उस गाड़ी पर आप 6-6 महीने तक रिन्यू करवा इसको, 15 साल पुराने पे भी 6-6 महीने पे का रिन्यू हो जाएगा। और ये मैं कमर्शियल पे है, कमर्शियल पे है ये। और ये आप देखो, जो आप लोगों ने भी एक्ट 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है, जो उसके अनुसार आपकी गाड़ी को पकड़ने का कोई राइट नहीं है अधिकारियों को। और जब कानून की बात करा तो कानून यू को है भाई, इसकी 2003 मॉडल जब गाड़ी है तो इसको रिन्यू करना पड़ेगा, वो भी 5 साल का। घरेलू है या तो घरेलू डोली प्लेट है, डोली होगी हाँ, ठीक है ना भाई, तेरी 5 साल तक होगी रिन्यू। अर्जन नहीं हुई, अर्जन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? यू जो जब नहीं हुई, नहीं हुई तो घुसरम घुसरम घुसराम वाली पॉलिसी लेने की जरूरत कोनी। इन इन जो तो नीति बनाओ ना, अर्जा बनाओ तो नीति का नाम पे बुकाओ ना, यानी कि जो ये लठोड़ लिया हुए है इनकी जीएसटी से उड़ रही है, जीएसटी उड़ रही है इनकी, आप उड़ रही है अपनी बातों में। तो यह गाड़ी 5-6 घड़ी, यह भी कितनी पुरानी होगी बेहतरी, यह सीख सकती है। अरे नया मॉडल की भी सुन ले, दिल्ली में नुको यूरो 6 2019 में आई थी, 2019 में आई थी यूरो 6, और उस तक पहले की भी 2019 वाली भी गाड़ी बैन करने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। तो ये चीज हम कहा, और सुनो भाई, आज आप बोलोगे और कहोगे तो ठीक है, नहीं तो बोले भाई बोला मारा रोन भी नहीं, चल रहेगा काम। तो ये चीज क्या नाम भाई? आशीष। समझ में आएगी सर के ऊपर को कही ना? समझ में आएगी भाई, आगी। तो आप लोग जागो, जागरूक हो, और मैं एडवोकेट मुकेश कुलथिया का फिर धन्यवाद करूंगा, जो लग रहे हैं बेखौफ हो गए, जिनने मतलब नोटिस जब गए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली को, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिल्ली को, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भारत सरकार को, तो फिर मुख्यमंत्री जी बयान देवे हैं, बोला ना आम तो तेथन बंद करा कुंडिया टिटरा ये रे ऑटो बूंडे, बोला इनकी बात थी। तो जड़ा भी सीआईडी सुन रही हो, जड़ा भी इंटेलिजेंस ब्यूरो सुन रही हो, हम सुनाना यहाँ, हम तो कहो सीआईडी या सीआईडी लो, इस बात की सीआईडी लो, भाई सरकार तक पहुंचाओ, नहीं तो वही बात, बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, एसीपी प्रदुमन वाली बात है भाई। सर मेन बात तो जनता को जागरूक करो इस बारे में भाई, मांग तो ज्यादा जिस तरह यही
मैंने तो छिके मतलब रुके मारे छिके हट गए जनता को 100% इसमें जागरूक होना पड़ेगा और सारे भाई जे इकट्ठे होके बिल्कुल बिल्कुल इकट्ठे होके अगर जे केस भी करेंगे ना मैं कहूँ जनता 100% केस जीतेगी जनाब। मैंने तो ये कानून पटाया आज भारत का राजपत्र मेरे हाथ में। जो गड्डी की कीमत आज 10 लाख है ना, 10 लाख की गड्डी कीमत 4 लाख रूपए कंपनी दे रही है, 4.5 लाख रूपए और अक्रेटा गड्डी है 13,55,000 के आसपास बड़ा है, 12-13 लाख के आसपास। कंपनी का खर्चा 7,56,000 है और भाई साहब उसके ऊपर कितने बच गए, 3.25 है, 4.5 लाख उसमें जीएसटी और सेस लाके, यानी कि कंपनी लेबर जो सारा खर्चा ला रही है ना वह तो 7 लाख में उनका पेट भर गया, लेकिन गवर्नमेंट का पेट भाई साहब 4.5-5 लाख में कोनी भरने लग रहा है। और उसके बाद फिर तेल पे पवाएंगे उसमें टैक्स देवेंगे, पोल्यूशन फिर उसमें टैक्स देवेंगे, टोल टैक्स है उसमें टैक्स देवेंगे। भाई साहब 10 लाख की गड्डी है ना तो सारी उम्र में 20 लाख का टैक्स दे दे आम जनता, गला घोट का मार दो भाई जनता ने। अपना दो चार चीज सुनो अरे भाई साहब एक मिनट, 13 लाख रूपए लाख है 10 लाख की गड्डी तो साल पे क्या की पड़ी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल 1.5-2 लाख रूपया अपना साल का पड़ रहा है, उसके बाद तेल खर्चा जे आप सारा लावे ना तो भाई साहब आप तो गड्डी के मालिक भाई ने कहा ना गड्डी का पैसा तो आप ला रहे हैं, कमारी गवर्नमेंट है, गला घोट दे भाई जनता का, यो सही है। एक सरकार हो एक गवर्नमेंट हो, सरकार वा जो सड़क सड़क का काम करे, गवर्नमेंट वा जो गवर्नमेंट घोर तो काम करे, तो सरकार हो रही है जी भाई। सफारी और कर फॉर्च्यूनर और गंजन मरण वाले आ गए ना ना मर्द गाड़ी है हमें है इन न्यू सोच दे 10 साल खतर में किराया पे लेऊं घर में 30 लाख के लेब ठीक है, वे किराया खतर है हमें, मैंने कितना बड़े साल का किराया हो गया, इनके इंश्योरेंस 2-2 लाख के इंश्योरेंस हो गए, कहां जावेंगे हम, किंग जावेगा आम आदमी ठीक है, इन ये जो से मिस्त्री भाई है कहां जावेंगे, यही तो बात है, यही चीज हम कह रहे हैं, मिस्त्रियों का तो काम मर जाएगा और भाई जुम्मा जुगरनून का आ रहे हैं बोले अपनी मन मर्जी के पीछे लेंगे एजेंसी वाले सर्विस के, मान लो सर्विस एजेंसी में 10,000 में हो तो बैर वाइट 2,500 में उसके वो मिस्त्रियों के काम मरेंगे बेचारेंगे। और सुनो ये भाई को तो नहीं मार पके बचे तार पर चार चीज बचेंगी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, और आलू प्याज गिल्ला धनिया मिर्च नहीं आ रहे, और दो चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, उकड़ू और फूक, उकड़ू और फूक, उकड़ू बैठ के फूक मारते रहो बस। ये भी बात गवर्नमेंट तक यह बात पूछनी चाहिए, आप एक गड्डी ले रहे हैं 10 लाख रुपए की, उसका गवर्नमेंट तक कितनी बार टैक्स दे आप इस चीज की भरपाई कर सके गवर्नमेंट, टैक्स से टैक्स देवा, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, फिर गुंडा टैक्स, टोल टैक्स वाला, और फिर जो थोड़े बहुत पीछे गोद में बच्चे किसे का, फिर वो आरटीओ वाले आ जाए वो झाड़ा ले लें बोले दाक में बच रहा तो दिल्ली भग जाओ 250-300 रूपए टोल लगा बस में भग जाएंगे भाई। चलो भाई बंटी तेरी गाड़ी की आरसी रिन्यू होगी कानून के हिसाब से, कानून कह रहा है भाई आप अपनी गाड़ी ने 50 साल तक चला इसको, जो घरेलू गाड़ी 2003 है नहीं, कानून कह रहा है 2000 जो अपनी घरेलू गाड़ी नहीं है, ये कानून तो बड़ी सरकार है यार, पर वही तो ये तो तो आप कमेंट करके बताइयो आप इस इलीगल लठोटर ने स्वीकार कर रहे हो कि नहीं, या फिर आप इसका विरोध करोगे बताओ आप, तो हम चल लेंगे परसों में, हम चलेंगे तेरे गिल्ला उड़े, हाँ कल तो मैं मोहाली जाऊं परसों में तेरी गाड़ी ने लेके चलूंगा, परसों नहीं परसों तो भी अगले दिन, परसों दिन मीटिंग है मेरी ठीक है, कई तारीख पड़ेगी भाई 2, 3, 4, 5 तारीख, 5 ने तेरी गाड़ी ने, 5 ने एतवार तो ना भाई, शनिवार शनिवार ने बंद तो नहीं, शनिवार 7 ने भाई, ना 7 का सोमवार है, सोमवार 7 तारीख ने भाई, आए 7 तारीख ने इसकी गाड़ी रिन्यू नहीं करी तो बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा फिर, क्योंकि कानून कह रहा है, कानून के हिसाब से चल रहे हम तो राजपत्र है भारत का, मेरे हाथ में जिला के शेयर कर दियो, और हम बार बार कह रहे हैं रिसर्च करके लाए हैं हम, ये नु सोच रहे हैं भी चल जे तो तीर नहीं तुक्का, धूल में लठ मार रहे हैं, अरबला जड़ में कौन पूछा पटवारी ने, तो अपना तुक्के मार सोता चल रहे हैं, अगर भाई फंस जे को फंस जे और जाग जे को जाग जे तो तारी मर जा रही। एक और चीज है भाई सुनो, एक बात ध्यान थी जमा काम की बात बता गए क्लोज करूंगा, एक जेब कतरा पकड़ा गया जी कि जेब कतरा पकड़ा गया और उसे की गैंग के 4-5 जेब कतरे उसे के चिपड़ के बोला मारो 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 वो बचा के ले गए ना
उन्हें पकड़ा को नहीं हो वो पकड़ा को नहीं लोग तो सोचते हैं पकड़ रखे उन्हें क्या बेरा दो चार मार के काट के ले गए। तो सरकार जो है अपने आदमी ने चार भी करते हैं फिर ये नूखा गए बुला रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं यानी कि जो अधिकारियों में सरकार ने दोषी ठहरा देंगे और जो सरकार वाले हैं नेता वो अधिकारियों ने दोषी ठहरा देंगे जबकि इन सोचते हैं भाई अपना कुल टीम गुड़ फोड़े जाओ धूड़ मलट मारो। तो फिलहाल यह गाड़ी चलेगी रुका को नहीं चलेगी भाई चलेगी भाई हाँ क्योंकि कानून कानून कह रहे ताजा जानकारी देते हैं कोर्ट के नोटिस जारी है इन पे भाई कोर्ट के नोटिस जारी है मुख्यमंत्री जी ने जय बात कही है भाई तेथन बंद होंगी ये को नहीं बंद होंगी तो हम लोग इसकी आरसी रिन्यू नहीं हुई नी तो फिर मुख्यमंत्री जी चाहे तो आप पुकारे हो चाहे अधिकारी पुकारे हमारा फर्ज है लग रहे हम तो देखो भाई पाया प्रॉपर्टी का तो 5% तो बच गया आप जैसे भाई अगर जैसे सहयोग रहे हैं ना जनता की जीत होगी भाई एक एक जीत होली वैसे आप लोगों की एक एडवाइजरी जारी हुई है भाई हमको नहीं जब्त करती लेकिन जब्त ना करना अलग चीज है और रिन्यू करना अलग चीज है जब्त ना करना रिन्यू नहीं करी तो फिर वो आरटीओ वाले आओगे ये बड़े हाँ यू बड़ा मामला है बढ़िया भाई हाँ वो भाई के पास थे एक दोस्त था ये नहीं है जो गुलमोड़ सिटी इसके पास में एक सर्विस स्टेशन है गैराज मोड़ पे हाँ उस पे है वो बंदा कारीगर है वो उन आप पे बना रही चलो एक और पीछे हो रहा है ना कोई बात नहीं भाई जया चाल की नहीं अरे उन्हें कौन रोकेगा पेट्रोल की है नी ना 12 साल आप या 19 साल पुरानी थी या पेट्रोल की है नहीं बंद होंगी 5-5 साल की घरेलू जो निजी गाड़ी है उन्हें 5-5 साल रिन्यू करवा इसको यू अपना राजपत्र भारत का राजपत्र कब है ये मेरी बात नहीं है हाँ बिल्कुल 5 साल की पासिंग बढ़ गई 2010 मॉडल चलो बाकी सरकार आने तो मैं एक बात कहूंगा सरकार आने तो एक बात कहूंगा मैं कई बार नून का ले रहा था हमने खिंडाना भी को नहीं आवा है तो हमने भ्रष्टाचार भी निकलना रहा पकड़े जावे ये सारे ये पकड़े जावे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी जी नू कहे भाई मान तो ऑटो बंद कराए को बंद कर दे फिर ये रिन्यू क्यों करण तक क्यों ना आरटीओ पैसे मांगे हां मांगे नहीं मांगे पैसे मांगे आरटीओ चलो थम भाई भाई बोले बोले रे तेरी बम 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 बोले पार्वती के संग संग तू घबरावा ना 7 तारीख ने सोमवार ने कल शिवरात्रि वाला दिन यू भाई बोला अपने ज्यादा जहाँ तक कहूँ बोला तू घबरा गया 7 तारीख है दिन सोमवार है मार्च का महीना है 2022 यह तो खूबी इसमें यह खूबी इन्हें बंद कराए या बिना चलाए भी चल रहा है बिना चलाए भी चल रहा है चलो कर दे भाई शेयर करो शेयर करो और एक बार बोलो मैं मेरे केला भाई करो सुनो करो देसी देख लाइक शेयर पे अंगूठा टेक चलो लाइक शेयर पे अंगूठा टेक बहुत आवा मेरे यार तक वो बिना टेक कोई नहीं अरे सुनो ऐड तो देखी जाओ ठीक है भाई ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान शेर सवा शेर बब्बर शेर करो भाई तारा का त्रया शेरिंग कर दो भाई चल तू चल भाई भाई चल 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 एक बार स्टार्ट कर रुक जा रहे करे तो नहीं आजा ममती का दे चल रहे अरे टाइगर अभी जिंदा है चल भाई मार एक मिनट करूं अक्षल यार धक्का मार है ना 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 चिंता ना करा कोई जिम्मेवारी नहीं जो काम हो रहा है सरकार फोन में देख क्या तो देख रहे ना इन्हें पिता करते हैं पिता करते हैं एक बार पिता करते हैं आगे दर्ज है हेला आगे दर्ज जनता की मर्जी नहीं चलेगी आज क्या बात है जनता की मर्जी जिंदाबाद चलो तो मित्र क्या बात है 19 साल पुरानी है चल रही है भाई चलो चलो एक बार सुनो सुनो सारे की जय बोल दी था जनता की खुद की जय बोलो मैं बोलूंगा जनता सरकार तम जिंदाबाद बोलियो अपनी जय खुद किया जनता सरकार जिंदाबाद टूटी टूटी आई और जान दो जनता सरकार जिंदाबाद जनता सरकार जिंदाबाद जनता सरकार जिंदाबाद चलो भाई शेर सब
बाबा शेर, बब्बर शेर करो भाई, कर दो शेर।